और इधर सचिवालय सहायक की वैकेंसी आई 8 साल बाद बिहार में, फॉर्म नहीं भर पाए। दरोगा की वैकेंसी आएगी, उसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इस मुद्दा को उठाने वाला बिहार का इकलौता इंसान दिलीप कुमार ही है, लेकिन अभी भी 2018-21 का पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया है और 19-22 का पार्ट 1 का रिजल्ट नहीं आया है। ई ऑप्शन को हटाए, उसके बाद ही निगेटिव मार्किंग के बारे में सोचे। जिस वोटिंग जिसका ज्यादा होगा उसको लागू करे बीपीएससी, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, बीपीएससी का कहना है कि हम तुक्का मारने वाले को अब बाहर करना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप IVTV देख रहे हैं। लगातार बीपीएससी को लेकर चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात की हो रही है कि बीपीएससी द्वारा एक नियम लाया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग का ये नियम, और इसको लेकर बिहार में जो है छात्र लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। और ऐसे में हमारे साथ छात्र नेता दिलीप जी हैं, इनसे ही हम जानेंगे कि आखिर नेगेटिव मार्किंग को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, इसका क्या बेनिफिट और क्या नुकसान जो है छात्रों को मिलेगा अगर ये नियम लागू हो जाता है। देखिए, बीपीएससी का कहना है कि हम तुक्का मारने वाले को अब बाहर करना चाहते हैं और जो सही स्टूडेंट हैं, मेधावी हैं, उनको हम पास करवाना चाहते हैं। तो अगर इनका मकसद सही है तो ये स्वागत योग्य है, लेकिन इनका जो ये कहना है कि 50 स्टार मार्क वाले क्वेश्चन पे निगेटिव मार्किंग करेंगे, तो इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और अभी उस विरोध के बाद बीपीएससी के अध्यक्ष के द्वारा 3 ऑप्शन सुझाया गया है। जब 68वीं का वैकेंसी आएगा तो फॉर्म जब फिलअप होगा उसमें वोटिंग करना है स्टूडेंट्स को ही, तो उसमें 3 ऑप्शन है। एक तो पहला है कि 50 क्वेश्चन स्टार मार्क वाले रहेंगे, जिसके लिए कि अलग से मार्किंग होगा, यानी 2 मार्क्स का रह सकता है और निगेटिव मार्किंग उसी पे होगा, बाकी 100 क्वेश्चन पे निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है कि 50 क्वेश्चन रहेगा स्टार मार्क वाले, उस पर निगेटिव होगा और अन्य क्वेश्चन पर भी कुछ निगेटिव हो सकता है, मतलब अभी क्लियर कुछ नहीं है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि 150 का 150 क्वेश्चन पर निगेटिव। तो हम लोग का मांग ये है कि अगर आपको निगेटिव मार्किंग करना है तो सबसे पहले तो आप 4th ऑप्शन भी दीजिए, जब छात्रों से आप राय ले रहे हैं तो 4th ऑप्शन भी दीजिए कि निगेटिव मार्किंग लागू नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर छात्र से ही जब राय ले रहे हैं तो निगेटिव मार्किंग आप थोपिए मत। आपने 3 ऑप्शन दिया है तो 3 ऑप्शन में यही है कि निगेटिव मार्किंग हर हाल में लागू करना ही है। तो एक 4th ऑप्शन आप दीजिए कि निगेटिव मार्किंग लागू नहीं होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स जिसको जो पसंद आए अपना चूज करेंगे, उस तरह के नियम को लागू किया जाए स्टूडेंट के हित और मत को देखते हैं। हाँ, वैसा जितना वोटिंग होगा, जो स्टूडेंट जिसके पक्ष में जिस वोट जो 3-4 क्राइटेरिया दिया जाएगा, उसके जिस वोटिंग जिसका ज़्यादा होगा उसको लागू करे बीपीएससी। लेकिन 4th ऑप्शन दिया ही नहीं, देने की बात ही नहीं कर रहे हैं कि जैसे निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ये ऑप्शन भी होना चाहिए ना। और हम लोग का एक मांग ये है कि बगैर ई ऑप्शन को हटाए निगेटिव मार्किंग किसी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे हम लोग। अगर बीपीएससी को निगेटिव मार्किंग लाना भी है तो पहले ई ऑप्शन को हटाए, क्योंकि ई ऑप्शन में 2 ऑप्शन है, उसमें है कि इनमें से एक से ज़्यादा आंसर सही है, अब्लिक इनमें से कोई सही नहीं है। तो अगर कोई स्टूडेंट्स ये समझ के ई ऑप्शन में चूज करता है, टिक मारता है, गोला रंगता है कि इनमें से एक से ज़्यादा आंसर सही है, तो वो भी क्वालिफाई कर गया। अगर किसी स्टूडेंट्स को आंसर सही नहीं पता है, उसको लगता है कि इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो भी वो ई ऑप्शन मार रहा है और दोनों का आंसर सही हो जा रहा है, तो ये सही से सिलेक्शन तो नहीं हो रहा है, दोनों में से कोई एक तो गलत होगा ना। तो इसलिए हम लोग ई ऑप्शन को हटाने की मांग कर रहे हैं, और जब तक ई ऑप्शन को नहीं हटाया जाता है तब तक निगेटिव मार्किंग लागू नहीं होने देंगे। हम लोग ई ऑप्शन हटाने की मांग आज पहली बार नहीं कर रहे हैं, 2019 से ई ऑप्शन को हटाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ई ऑप्शन विवादास्पद है, विरोधाभासी है एक दूसरे का, जिसमें 2 ऑप्शन दिया गया है। तो बीपीएससी ई ऑप्शन को हटाए, उसके बाद ही निगेटिव मार्किंग के बारे में सोचे, और उसके लिए छात्रों की राय ले। छात्र अगर चाहेंगे निगेटिव मार्किंग लागू हो तभी लागू करें, तो उसके लिए एक ऑप्शन ये भी दिया जाना चाहिए। दिलीप जी, ये बताइए कि कई सारे ऐसे भी विभाग हैं शिक्षा से जुड़े जिन पर अभी काम होना बाकी है। पटना यूनिवर्सिटी को ले लें और इसके बाद मगध यूनिवर्सिटी के छात्र लगातार ये अब आपसे उम्मीद करने लगे हैं कि आप उनकी भी आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि आपको देखा जाए तो आप बीपीएससी, बीएसएससी और जो तमाम सरकारी परीक्षाएँ हैं इसको लेकर आवाज़ बुलंद करते हैं। लेकिन शिक्षा विभाग की अगर बेसिक बात करें तो हम इसकी शुरुआत कॉलेजेस और स्कूल से होती है, तो क्या आप उनकी भी आवाज़ बनने वाले हैं? देखिए, मगध यूनिवर्सिटी हो या बिहार का कोई भी यूनिवर्सिटी, सभी का सेशन अभी लेट चल रहा है, और 3 साल का ग्रेजुएशन 5-6 साल में हो रहा है। मगध यूनिवर्सिटी का तो सबसे बुरा हाल है। तो इस मुद्दा को उठाने वाला बिहार का इकलौता इंसान दिलीप कुमार ही है, और 2 मार्च से नालंदा से जब हमने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत किया, शिक्षा सुधार एवं रोजगार अभियान, उसमें हमारा प्रमुख मुद्दा ये था कि 3 साल का ग्रेजुएशन 3 साल में होना चाहिए। नालंदा के बिहार शरीफ में, नवादा में भी हम लोगों ने आंदोलन किया, इसके बाद हमने पटना में भी हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत किया,
उसके बाद पटना में 3 बार हम लोग आंदोलन कर चुके हैं, मगध यूनिवर्सिटी को लेकर और बिहार के तमाम यूनिवर्सिटी को लेकर 3 बार पटना में आंदोलन किए। उसके बाद शिक्षा मंत्री से भी हमने सवाल किया था एक टीवी कार्यक्रम में, उसके बाद सरकार हरकत में आई थी और कई यूनिवर्सिटी का जो है एग्ज़ाम प्रक्रिया शुरू हुआ है, कहीं रिजल्ट दिया गया तो एग्ज़ाम, कहीं रिजल्ट देने के बाद एग्ज़ाम की प्रक्रिया शुरू हुई। मगध यूनिवर्सिटी में भी थोड़ी सुगबुगाहट हुई कि रजिस्ट्रेशन कराना शुरू किया गया 2020-23 सेशन वाले का, जो कि रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था तो उसका शुरुआत हुआ है, लेकिन अभी भी 2018-21 का पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया है और 19-22 का पार्ट 1 का रिजल्ट नहीं आया है, तो अभी भी मगध यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा लेट चल रहा है। तो हम इन लोगों के लिए लड़ाई तो पहले भी लड़े हैं और अभी भी आवाज़ उठा ही रहे हैं मीडिया के माध्यम से, सोशल साइट्स के माध्यम से, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो आंदोलन की बात है तो हम नवंबर में ही आंदोलन करने वाले थे। हमने कहा भी था छठ के बाद मगध यूनिवर्सिटी और बिहार के तमाम यूनिवर्सिटी को लेकर हम सेशन सुधार को लेकर आंदोलन करेंगे, लेकिन इससे पहले ही हमारी तबीयत खराब थी, अभी भी खराब है, एम्स में मेरा इलाज चल रहा है, तो जिसके वजह से हम अभी आंदोलन नहीं कर पा रहे क्योंकि बार बार मुझे बीच में फिर मुझे एम्स जाना है, बार बार चेकअप कराना, जांच कराना पड़ता है, तो उसके चलते हम डिस्टर्ब हैं अभी, तो आंदोलन नहीं कर पा रहे क्योंकि आंदोलन जब भी हम करेंगे तो हम ऑर्गेनाइज तरीके सिस्टमेटिक ढंग से आंदोलन करते हैं, तो उसमें हमको कम से कम 1 सप्ताह का समय लगता है और हम जितने भी ज़िला हैं, कम से कम जो मगध यूनिवर्सिटी का 4-5 जिला है जहाँ मगध यूनिवर्सिटी के कॉलेजेज हैं, वहाँ हमको जाना पड़ेगा, छात्रों से मिलना पड़ेगा, तब पटना में एक बड़ा आंदोलन होगा। और हमने अप्रैल में और मई में आंदोलन किया भी था इसके लिए, उसके बाद सरकार हरकत में भी आई थी और अभी फिर जैसे ही हम अगर इधर इलाज से फ्री हो जाएंगे तो फिर हम आंदोलन करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमको आंदोलन करने का आप मौका मत दीजिए और उससे पहले ही मगध यूनिवर्सिटी का जो लेट चल रहा है सेशन उसको सुधारिए और जो रिजल्ट पेंडिंग है उसको रिजल्ट को जल्द जारी कीजिए, जो एग्ज़ाम नहीं लिए उस एग्ज़ाम को जल्दी कंडक्ट करवाइए, क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स हैं जो फॉर्म नहीं भर पा रहे, जिनका ग्रेजुएशन 2020 में होना चाहिए, 21 में होना चाहिए, अभी उसका पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया और इधर सचिवालय से आई कि वैकेंसी आई 8 साल बाद बिहार में, फॉर्म नहीं भर पाए, दरोगा की वैकेंसी आएगी उसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे, एसएससी सीजीएल सेंट्रल लेवल की वैकेंसी कोई भी आती है नहीं भर पाते हैं, तो ये लाखों स्टूडेंट के साथ अन्याय है। और दूसरी बात शिक्षा भी, शिक्षकों की भी बात है, शिक्षक अभ्यर्थियों की बात है, तो उनके लिए भी मैं लगातार आवाज़ उठा रहा हूँ सोशल साइट से या मीडिया के माध्यम से। हाँ, ज़मीनी स्तर पर अभी तक शिक्षक बहाली में जो ये लोग आंदोलन गर्दनी बाग में करते हैं, हम 2-3 बार गए हैं, वहाँ भी गए हैं और अभी भी उन लोग का आंदोलन चल रहा है, तो हम फिर वहाँ जाएंगे, लेकिन यहाँ हम बार बार अपील कर रहे हैं सबसे कि आप लोग अलग अलग गुट में बटे हुए हैं, एसटीईटी वाले अलग, बीटेट वाले अलग, सीटेट वाले अलग, तो इसके वजह से सरकार पर असर नहीं पड़ रहा है और हम प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे वो बीटेट हो, सीटेट हो, एसटीईटी हो, कोई भी हो, शिक्षक अभ्यर्थी सिर्फ शिक्षक अभ्यर्थी रहें और एक प्लेटफॉर्म पे आके आंदोलन करें, तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि पहले सब गुट को मिला दे, बहुत सारा गुट बना हुआ है उसमें अलग अलग संगठन बना लिए हैं, तो पहले सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा, उसके बाद शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी हम आंदोलन करेंगे और तमाम यूनिवर्सिटी में सेशन सुधार के लिए भी आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत। तो हमारे साथ दिलीप थे, कई सारे सवाल थे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए, बीपीएससी में जो नेगेटिव मार्किंग होनी है उसको लेकर, और जो लगातार शिक्षक अभ्यर्थी जो धरना दे रहे हैं, चाहे बीटेट सीटेट की बात करें, तो इनके लिए भी आवाज़ जल्द ही दिलीप कुमार जो है बुलंद करने वाले हैं। आप इन तमाम मुद्दों पर क्या सोचते हैं, हम तक अपनी राय कमेंट के जरिए दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें IBTV के साथ। कैमरा पर्सन हीरा के साथ मैं वीरा सिंह पटना से। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज, पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।